पॉजिटिव किस्मत का साथ मिल सकता है, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, नए लोगों से मिल सकते हैं और पुराने दोस्तों से रिश्ते ताजा करने के मौके मिलेंगे। आज आप परेशानियों से निपटने में सफल रहेंगे। बिजनेस में अच्छी खासी सफलता भी मिलने के योग है। महत्वपूर्ण और बड़े लोगों से मुलाकात के योग बन रहे हैं। आप थोड़ा ज्यादा बोलने के मूड में भी हो सकते हैं। विपरीत लिंग वालों से संबंधों में सुधार होने के योग है। आपका मूड रोमांटिक हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। नेगेटिव जिम्मेदारियों को लेकर सावधान रहे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें। आपका मन काम में कम और बातचीत में ज्यादा हो सकता है। भावुकता में आकर किसी तरह की गलती करने से बचें। क्या ना करें आज, कोई खट्टी चीज ना खाएं। लव जीवन साथी के साथ मामूली कहासुनी के योग बन रहे हैं, लेकिन संबंध फिर सामान्य भी हो जाएंगे। करियर पैसे के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें। साझेदारी में नुकसान हो सकता है। स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। हेल्थ, पिता की सेहत की चिंता रहेगी। इस राशि के लोग मौसमी बीमारियों से भी परेशान हो सकते हैं। वृश्चिक, पॉजिटिव धैर्य और साहस से काम लेंगे तो बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। पुराने काम निपट सकते हैं। आप अपनी कोशिशों में सफल रहेंगे। आपको कई तरह के नए अनुभव मिल सकते हैं। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो हर तरह के संबंधों में सुधार आएगा। आज आप अपनी बातों से उन लोगों को मना लेंगे जो आपसे नाराज थे। यात्रा की योजना बन सकती है। सेहत पहले से थोड़ी ठीक रहेगी। नेगेटिव, चौथी राशि में चंद्रमा होने से आपको पूरे दिन संभल कर रहना होगा। खरीदारी करते समय ज्यादा खर्चा हो सकता है। एक टेंशन खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो सकता है। परिवार, ऑफिस और बिजनेस में किसी से अनबन हो सकती है। वाहन से सावधान रहे। दुर्घटना जैसी स्थिति बन सकती है। सावधान रहे। सोचे हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। पैसा और किसी तरह का कागजी काम आज उलझ भी सकता है। साथ के लोगों की तरक्की देखकर जलन हो सकती है। आपकी ही कोई गुप्त बात उजागर हो सकती है। क्या करें, काजू खाएं। लव जीवन साथी से अनबन होने के योग हैं। पुरानी बातों में उलझने से बचें। छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें। करियर, नौकरी, पेशा लोगों का समय ठीक है। बिजनेस में फायदे के योग हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी मिलेगा। हेल्थ, सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। चोट और दुर्घटना का भी डर रहेगा। सावधान रहे। मिथुन, पॉजिटिव गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में चंद्रमा होने से आज एक्टिव रहने का दिन है। एक के बाद एक काम निपटते जाएंगे। बिजनेस या कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिशन रहेगा। नौकरी धंधे में प्रगति के योग हैं। परिवार के साथ समय बीतेगा। पारिवारिक जीवन की समस्या निपट सकती है। किसी को अपनी बात समझाने में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। कठिन समस्या सुलझ सकती है। अधूरा काम निपटाने से फायदा हो सकता है। नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। रोजमर्रा के काम निपट सकते हैं। कुछ खास मामलों में नतीजे मिलने तक धैर्य रखें। दाम्पत्य जीवन ठीक है। नेगेटिव, आप किसी को खुश करने के लिए ज्यादा पैसा भी खर्च कर सकते हैं। खुद को समय नहीं दे पाने से परेशान हो सकते हैं। कुछ कामों में आपका मन नहीं लगेगा। क्या करें, खाना खाने से पहले फैलने वाले गाय के लिए निकाले। लव, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय ठीक है। प्रेम संबंधों में कुछ नयापन आ सकता है। करियर, नौकरी, धंधा आपके लिए अनुकूल रहेगा। निवेश करने और नई नौकरी की बात के लिए समय अच्छा है। नए जॉब के लिए भाग दौड़ कर ले। नतीजों के लिए धैर्य रखें। हेल्थ, बदहजमी या गैस संबंधी परेशानियां भी हो सकती है। सिर दर्द भी रहेगा। कर्क, पॉजिटिव, आप खास मामलों में फैसले लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। पैसों के कई मामले निपट सकते हैं। काम धंधे में सफल हो सकते हैं। सामूहिक ढंग से किए जाने वाले कामकाज के लिए दिन अच्छा हो सकता है।
आराम का मौका भी आज आपको मिल सकता है। जहां तक हो सके मददगार, विनम्र और सहयोगपूर्ण रहे। अपने पैसों से जुड़े कागजों की जांच कर ले। कामकाज से संतुष्ट हो सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। धन लाभ के योग बनेंगे। आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। नेगेटिव, घर की मरम्मत या सजावट पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अनजाने में या फालतू ही आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर सकते हैं। सावधान रहे, परिवार में किसी से अनबन भी हो सकती है। क्या करें, पिस्ता खाएं? लव विवाह संबंधी बातचीत आज हो सकती है। प्रेमियों के लिए समय अच्छा है। करियर, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा समय हो सकता है। बिजनेस में धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत का फायदा मिल सकता है। हेल्थ, खाने पीने पर ध्यान दें, पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। सिंह पॉजिटिव, काम काज और दुनियादारी से जुड़े मामलों में सफल हो सकते हैं। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। कई तरह के काम आपको संभालने पड़ सकते हैं। ज्यादातर काम आसानी से पूरे होने की उम्मीद है। कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा हो सकती है। पैसों की स्थिति सुधारने के लिए आपको थोड़ी सी कोशिश में ही सफलता मिल सकती है। दूसरों की मदद के मौके मिलेंगे। बिजनेस में फायदा हो सकता है। नए मौके मिलने के योग बन रहे हैं। कहीं घूमने भी जा सकते हैं। संतान की तरफ से अच्छी खबर या संकेत मिल सकते हैं। नेगेटिव, अपने ही लिए फैसलों में आप उलझ सकते हैं। परिवार में किसी के साथ तीखी भस होने के योग है। कार्यस्थल या बिजनेस में किसी से अनबन होने की संभावना है। क्या करें, चावल में शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं? लवलव पार्टनर से सहयोग मिल सकता है। विवाहित लोगों को एक दूसरे की मदद मिल सकती है। करियर, बिजनेस के लिए भी दिन ठीक है। आप व्यस्त रहेंगे, लेन देन में भी ध्यान रखें। परीक्षा की तैयारी के लिए समय ठीक है। हेल्थ, कोई पुरानी बीमारी भी सामने आ सकती है। खान पान पर पूरा ध्यान दें। कन्या पॉजिटिव, आपकी सोच और व्यवहार दोनों सकारात्मक हो सकते हैं। कामकाज और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ नई सूचनाएं और जानकारियां मिल सकती हैं। जीवन साथी के साथ अच्छे से समय बीतेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा। दूर स्थान पर रहने वालों से बातचीत होगी। ऑफिस में सम्मान मिलेगा। कोई पुराना दोस्त भी मिल सकता है। परिवार के साथ यात्रा होगी। नेगेटिव, गोचर कुंडली के 12वें भाव का चंद्रमा आपको परेशान कर सकता है। कुछ कामों में थोड़ा ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। आज आपकी सेविंग में से भी कुछ पैसा खत्म हो सकता है। किसी काम के लिए मेहनत भी ज्यादा हो सकती है। ना चाहते हुए भी किसी को उधार पैसा देना पड़ सकता है या कहीं पैसा लगाना पड़ सकता है। टेंशन और फालतू खर्चा बढ़ सकता है। क्या करें, किसी ब्राह्मण को तले हुए आलू खिलाएं? लव जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करें, वरना बात बिगड़ सकती है। करियर, नौकरी पेशा लोगों को खास फायदा नहीं मिल सकेगा। बस आप अपने काम से खुश रहेंगे। स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। हेल्थ, सेहत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। संभल कर रहे, आपकी दिनचर्या भी डिस्टर्ब हो सकती है। तुला पॉजिटिव, दिन अच्छा हो सकता है। चंद्रमा गोचर कुंडली के लाभ भाव में रहेगा। कम मेहनत का फल भी ज्यादा मिल सकता है। आप जो भी फैसले करेंगे उनका असर लंबे समय तक रहेगा। अपना नजरिया सही रखेंगे तो हर समस्या से निपटने में सफल हो सकते हैं। खुद पर भी भरोसा रखें। कैसी भी स्थिति बने, धीरे धीरे सब आपके फेवर में हो सकती है। अपने निजी और पारिवारिक जीवन पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें। बिजनेस करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। नौकरी की परेशानियां भी खत्म हो सकती हैं। परिवार के सदस्यों से मदद मिल सकती है। नेगेटिव, दुश्मन को कमजोर ना समझें। आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। विरोधियों के सामने आप लगभग अकेले ही रहेंगे। नसन के स्तर में कुछ बदलाव के बारे में आपको टेंशन हो सकती है। सजावटी चीजों पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। क्या करें, अपने पर्स या पैसे रखने के स्थान पर हल्दी और केसर मिलाकर छींटे। लव पति पत्नी के बीच गलतफहमी होने की संभावना है। सोच समझ कर बात करें।
करियर बिजनेस करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा हो सकता है, आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। हेल्थ सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक ही रहेगा, मौसमी बीमारियों से बचकर रहे। वृश्चिक राज, आप जितना सोचेंगे और मेहनत करेंगे उतने काम बनेंगे, सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। कुछ काम से कंपनी या आपकी बिजनेस फर्म को बड़ा फायदा हो सकता है। लोगों से मिलने में और सामाजिक कार्यक्रम में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। आप अपने व्यवहार और कोशिशों से दूसरों के साथ जितना तालमेल बनाकर चलेंगे उतने ही सफल हो जाएंगे। लेखन, कला, चिकित्सा, कानून क्षेत्रों के लोग खास तौर पर सफल हो सकते हैं। पैसों से जुड़े काम पूरे हो जाएंगे। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सेहत खले से ठीक रहेगी। कोई पुराना दोस्त भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। नेगेटिव किसी ना किसी बात के कारण मानसिक उथल पुथल हो सकती है। आप मन ही मन किसी से दुश्मनी बढ़ा सकते हैं। किसी के काम या आदतों को लेकर आपको कोई गलत फहमी हो सकती है। क्या करें, सिर और पैर के पंजों में थोड़ा सा तेल लगाएं। लव दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए भी समय ठीक कहा जा सकता है। करियर बिजनेस के लिए समय अच्छा है। सोच समझ कर निवेश करें। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही कोई बड़ा काम करें। स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, आपकी सेहत फले से ठीक हो सकती है। धनु, पॉजिटिव दिन अच्छा हो सकता है। जीवन के लगभग हर फ्लू को लेकर आपकी सोच सकारात्मक हो सकती है। पैसों का कोई मामला है तो वह सुलझने लगेगा। करियर में आपके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। अपने से जुड़े हर फ्लू पर विचार करें। दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करना पड़ सकता है। किसी की मदद भी करनी पड़ सकती है। पैसों और फायदों के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में अधिकारियों का मूड ध्यान में रखकर कोई भी काम करें। आप फायदे में रहेंगे। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नेगेटिव, फालतू खर्चा भी कर सकते हैं। सावधान रहे। आज आपकी सेहत में भी थोड़े उतार चढ़ाव आने के योग हैं। परिवार में किसी से विवाद होने के भी योग हैं। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। किसी बड़े काम की शुरुआत टाल दे। क्या करें, व्हीकल धुलवाए और ऑयलिंग करें। लव, पत्नी में प्रेम बढ़ सकता है। अविवाहित प्रेमियों के लिए समय सामान्य हो सकता है। करियर, आर्थिक स्थिति भी आपके अनुकूल हो सकती है। बिजनेस के लिए समय अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। आगे बढ़ने के मौके भी मिलने की संभावना बन रही है। हेल्थ, पुराना रोग भी आपको परेशान कर सकता है। मसालेदार भोजन से बचे। आंख या मुंह के रोग हो सकते हैं। मकर, पॉजिटिव मिला जुला दिन होगा। आप सकारात्मक और उत्साहित रहेंगे। नए अनुभव भी आपको हो सकते हैं। लाइफ में होने वाले किसी बड़े बदलाव के संकेत भी आपके सामने आ सकते हैं। आज रुके हुए काम भी पूरे होने के योग बन रहे हैं। कुछ नए काम भी शुरू हो सकते हैं। परिवार में खुशी का माहौल हो सकता है। परिवार के साथ समय बीतेगा। दोस्त या रिश्तेदार से कोई गिफ्ट मिलने की संभावना है। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भी आज आप शामिल हो सकते हैं। नेगेटिव, थोड़ा सावधान रहे। किसी भी काम में अति करने से बचे। किसी काम या विचार के कारण ऑफिस में परेशानी बढ़ सकती है। बॉस या अधिकारी आज आपसे किसी बात पर नाराज भी हो सकते हैं। साथ काम करने वाले कुछ लोग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए खुद को तैयार रखें। आपका खर्चा बढ़ सकता है। आत्मविश्वास भी डगमग हो सकता है। क्या करें, धन लाभ की कामना से गणेश मंदिर के दरवाजे पर पीले चावल रखें। लव लव लाइफ रोमांचक हो सकती है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय हो सकता है। पार्टनर से भावनात्मक सहयोग मिलने के योग हैं। करियर बिजनेस करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। स्टूडेंट्स का टेंशन भी बढ़ सकता है। परेशानी भरा दिन हो सकता है। हेल्थ, एलर्जी से परेशानी बढ़ सकती है। नींद की कमी और सिर दर्द भी हो सकता। कुंभ, पॉजिटिव कोई बड़ा
और जरूरी काम सफलता से निपट सकता है। अपनी बात से दूसरों को सहमत कराने में भी आप पूरी तरह सफल हो सकते हैं। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए दिन अच्छा है। प्रेमी, दोस्त, जीवन साथी हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे। कहीं से रिश्तों की बात भी चल सकती है। सेहत पहले से थोड़ी ठीक रहेगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। नौकरी और कारोबार की गलतफहमी खत्म हो सकती है। उलझे हुए मामले सुलझ सकते हैं। साथ काम करने वाले लोगों और अधिकारियों और से संबंध अच्छे हो सकते हैं। नेगेटिव निजी मामले आपके दिमाग पर हावी हो सकते हैं। थोड़ी देर अकेले में विचार करके उन्हें निपटाने की कोशिश करें। समस्याओं का समाधान मिलने की संभावना कम है। कोई नया काम हाथ में ना ले। आपके विरोधी भी सक्रिय हो सकते हैं। भागदौड़ बहुत हो सकती है। क्या करें, अंकुरित अनाज खाएं? लग्न राशि के लोगों के लिए समय ठीक है। अपने दिल की बात आप किसी से कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। करियर बिजनेस के लिए समय सामान्य हो सकता है। जोखिम भरे निवेश करने से बचें। इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग है। हेल्थ सेहत भी ठीक रहेगी। ज्यादा परेशानियां नहीं रहेगी। मीन पॉजिटिव भविष्य के लिए कोई योजना बना सकते हैं। आप अपनी सोच का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। बड़े नजरिए के साथ आप अच्छा महसूस करेंगे। आप हर स्थिति में समझौते का मन बनाकर रखें और विवादों को बातचीत से निपटाने की कोशिश करें। प्रेमी और जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। कई लोगों से मुलाकात के भी योग बन रहे हैं। कोई प्रेम प्रसंग भी शुरू हो सकता है। नया काम शुरू करने का मन बना सकते हैं। माता पिता से पूरा सहयोग भी मिलेगा। नेगेटिव ऑफिस या फील्ड में किसी से अनबन हो सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, संभल कर रहे। पुरानी बीमारी के कारण परेशानी हो सकती है। आप दिन भर विचारों में उलझे रह सकते हैं। कुछ खास मामलों में आप सच्चाई से दूर रहेंगे और बड़े फैसले लेने में कंफ्यूज हो सकते हैं। किसी भी स्थिति में अति करने से बचें। बिजनेस में पैसा कहीं फंसने की संभावना बन रही है। भावुक होकर कोई फैसला ना लें। क्या करें, गुनगुने पानी से गरारे करें। लव, अपने दिल की बात बताने के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। आप पार्टनर से दिल की बातें शेयर करेंगे। इससे आपको भावनात्मक संतुष्टि मिल सकती है। करियर सुस्ती और आलस्य से कार्यक्षेत्र पर असर पड़ेगा। इंटरव्यू की तैयारी कर ले, सफलता मिल सकती है। हेल्थ, ब्लड प्रेशर के रोगियों को सावधान रहना होगा। पुरानी परेशानियां रहेंगी। Thank you.